तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी कुगती विलेज में। मेरे पीछे आप देखते हुए हल्का सा ये दिख रहा है, बाकी सामने वो दिखाता हूँ आपको। पूरा तीन पार्ट में है कुगती विलेज, थोड़ा सा यहाँ ये बस स्टैंड आप बोल सकते हैं, यहाँ तक बस आती है, बाकी थोड़ा सा गांव आगे भी है। यहाँ से भाई हाइट देखो आप, कोई अगर गिर गया ना सीधा नदी में पहुँचेगा, टच भी नहीं होगा कहीं पर। बाकी कुगती का आपको सामने और थोड़ा सा गाँव दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। बाकी वो सामने के पहाड़ देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं यार, बर्फ से भरे हुए पहाड़। गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल विलेज कुगती, जहाँ पर केलंग जी का मंदिर है भाई सामने, आप देख सकते हैं गांव में वो है सामने मंदिर। ये गांव का मंदिर और जो मेन मंदिर है कुगती केलंग जी का भाई वो पूरे पहाड़ों में है, काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ता है। ये देखो काफ़ी हिस्टोरिकल विलेज है यार कुगती, कितना सुंदर गाँव है। आज रात को हमने यहीं पर स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ पर नवाला है, तो सभी को पूछा हमने मतलब सुबह ही जाएंगे भाई यहाँ पर 5 बजे कोई, तो देखते हैं क्या बनता भी, नवाला वगैरह देखते हैं सुबह करेंगे। कुगती जो केलंग जी का मंदिर है वहाँ के लिए प्रस्थान, बाकी देखते हैं आगे किस तरह का माहौल रहता है। अभी हमने नवाला देख लिया और भाई आपको मैंने दिखा दिया हल्का हल्का सा, पूरा शूट नहीं कर पाया क्योंकि फोन में चार्जिंग कम थी, बाकी देखो हमें रात को शूट करना पड़ रहा है। अभी हम आ गए हैं ना गाड़ी में सोएंगे आज और सुबह जाएंगे केलंग वजीर मंदिर के लिए, जहाँ हमको एक अंकल मिले यहाँ पर तो बोलते हैं हम आपको कंबल दे देते भाई, तो गाड़ी में सो जाएंगे। और देखो थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लिया, बाकी आपको कैसा लगा नवाला भी कमेंट में जरूर बताना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई मेरे को तो सच बोलो तो। बाकी देखते हैं सुबह मिलते हैं आपसे सीधा केलंग वजीर की यात्रा के। तो गाइस अभी जैसा ही नवाला खत्म हुआ भाई और आपने भी देखा किस तरह का हुआ पीछे फंक्शन, बाकी अभी सोने का जुगाड़ नहीं था हमारे पास, तो एक अंकल है मैं देखो भाई कंबल दे दिया, हम गाड़ी में सोएंगे। वैसे उन्होंने बोला कि आप भाई घर में सो जाओ, तो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग है ना भाई। बिल्कुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई इधर ही सो जाओ, बिल्कुल सजेस्ट किया कि मंदिर में सो जाओ, बट हमने बोला थोड़ा अनकम्फर्टेबल। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और भाई देखो हमारा बिस्तरा लग चुका है, कंबल जो हमने अंकल से लाया। बाकी मोहन भाई की फर्स्ट नाइट है गाड़ी में, इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाड़ी में और मतलब नेटवर्क नहीं है, पहला जब से फोन लिया ना लाइफ में आज पहले दिन मेरे पास नेटवर्क नहीं। सुबह पूछेंगे इनसे भाई की क्या मतलब किस तरह का माहौल रहा, बाकी अभी नींद आ रही है तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक हमारे भाई को नींद आ रही, मैं तो अभी 2 बजे सो रहा हूं भाई, सोते रहो तो ठीक है, मिलते हैं आपसे सुबह भाई, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। पूरी रात बुरी हालत हो गई यार कसम से, टांगों की ना इतनी ज्यादा ठंड लगी ना मोहन भाई तो सोए नहीं पूरी रात, अभी सोए देखो सोए भाई भाई ये ना हालत खराब हो गई कसम से, अंकल ने कंबल दिया था एक एक ने तो हमारे तो आज ना। चलो भाई मिलते हैं, करते हैं यात्रा शुरू, बाहर ना रोशनी आ गई देखो, करते हैं यात्रा शुरू, मिलते हैं आपसे आगे। तो करते हैं गाइस अभी यात्रा की शुरुआत, सुबह के 6 बज चुके हैं और फिर रात को बहुत ज्यादा ठंड हुई, मैं आपको बता दिया ना। बाकी मौसम देखो सामने का, मैंने रात को ना आपको ज्यादा नहीं दिखाया था, ये देखो भाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ से लदे पहाड़ पूरे, इस सामने का पहाड़ देखो कितना खतरनाक लग रहा है। बाकी अब चलेंगे हम यहाँ से आगे, ट्रैक शुरू करेंगे अपना, ऐसा सुनने में आया कि मतलब लोकल बोल रहे भाई 2-3 घंटे लग जाएंगे पैदल भाई, अगर वो 3 बोल रहे तो हमें 4 लग जाएगी, तो देखते हैं क्या रहता है प्लान। ओ फ्रेंड्स देखो सुबह सुबह भाई सारे लोग जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ देखो वहाँ से ऊपर शॉर्टकट से जा रहे हैं और कुछ यहाँ से जा रहे हैं, तो हम भी यहीं से जाएंगे। सामने हमारे बजरंग बली की मूर्ति है, बाकी व्यू देखो इस तरह से कितना खतरनाक पुल है भाई, देखो लोग सुबह सुबह चल पड़े हैं यात्रा पे केलंग जी दिखे। अब देखो फ्रेंड्स गाँव का व्यू यहाँ से, भाई मेरे को लगा ना छोटा सा गाँव होगा लेकिन ये काफ़ी बड़ा गाँव है, ये है निचली कुगती और एक इससे बड़ा गाँव ऊपर है यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा पहाड़ से देखा मैंने आपको दिखा दिया है,
बाकी व्यू देखो भाई कितना सही लग रहा है यार। तो फ्रेंड जिस तरह थोड़ा सा आप गांव से ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको बजरंगबली जी की मूर्ति मिल जाएगी जो कि पूरी गांव की रक्षा करे हुए, कितना प्यारे लग रहे हैं बजरंगबली। और यहाँ पर कुछ अपने भाई जो सेवा भी कर रहे हैं लोगों की, नींबू पानी वगैरह बांट रहे हैं। बाकी व्यू की बात करें तो कुछ इस तरह से व्यू है। बाकी चलते हैं भाई भी आगे। पहुँच चुके हैं केलंग बजीर जी के मंदिर में। सामने आपको दिखाता हूँ भाई व्यू, ये देखो ये यहाँ से शुरू करना। देखो ये है मेन मंदिर। तो आप सीधा मंदिर जाके ही मिलते हैं क्योंकि वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आपको मंदिर जाके मिलते हैं। बाकी व्यू की बात करें तो व्यू तो भाई बहुत ही अल्टीमेट है। रुकने का नाम नहीं है, रुको मत ना। गाइज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं भाई, ये कोई दर्शन करने के लिए नहीं बैठे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी है और ये लोग नीचे बैठे लेकिन बैठे ये देखो भाई इनके इंतजार में से जैसे उठेंगे वैसे ही बैठ जाएंगे। बाकी देख सकते हैं आप, आपको लग रहा होगा दर्शन करने बैठे भाई, कोई दर्शन करने नहीं बैठे, दर्शन हो गए, ये खाना खाने के बैठे हैं। खाना खाएंगे और सीधा घर को भागेंगे। बाकी देख हम भी खाना खाने पर बाहर ही नहीं। यहाँ पर मैं और मोहन भाई बैठे भाई देख रहे हैं, वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, खाना खाने का कोई नंबर नहीं आएगा लग रहा है। देखते हैं देखो भाई कैसा कैसा रिस्क ले रहे हैं यार लोग। देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है।